एवरीवन, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बनाना प्रोटीन एक्स आइसक्रीम। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिए है 4 बनानास, उसे पील ऑफ करके उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और इसे हम एक साफ पॉलीथीन में डालकर रेफ्रिजरेटर में तब तक रखेंगे जब तक ये पूरे हार्ड ना हो जाए। आप देख सकते हैं कि मैंने इस तरीके के पॉलीथीन में डालकर उन्हें रेफ्रिजरेटर में रख रही हूँ और अब मैं इसे 8 घंटे के बाद निकाल रही हूँ। आप देख सकते हैं कि ये कितने हार्ड हो चुके हैं। निकाल कर हम इसे ग्राइंडर जार में डालेंगे ताकि इसे ग्राइंड कर सकें और इसी के साथ 1 कप ठंडा दूध डाल रही हूँ ताकि ये बहुत टेस्टी यमी यमी बने। इसी के साथ प्रोटीन के लिए ड्राई फ्रूट्स, ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, नट्स बहुत ही अच्छे होते हैं। यहाँ पर मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग शुगर डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर हेल्दी प्रोटीन एक्स चॉकलेट फ्लेवर का मैं इसमें डाल रही हूँ। ये आइसक्रीम की आइसक्रीम है और प्रोटीन का प्रोटीन, जो आपकी हेल्थ को बहुत ही अच्छा करता है। आपके बच्चों को आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है लेकिन आप उन्हें ज़्यादा ठंडी होने की वजह से या कुछ भी किसी भी रीज़न से बच्चे को बहुत ही ज़्यादा खराब करती है, तो आप इस प्रोटीन एक्स बनाना प्रोटीन एक्स की आइसक्रीम बनाकर उन्हें खिलाएं तो आपको फर्क जरूर नजर आएगा। आप देख सकते हैं कि मैंने इसे ग्राइंडर जार से निकालकर एक डिब्बी में डाल दिया है ताकि इसे रेफ्रिजरेटर में 8 से 10 घंटे रख के जमाया जा सके। आप देख सकते हैं कि आफ्टर 8 आवर्स के बाद मैं इन्हें रेफ्रिजरेटर से निकाल रही हूँ और ये हमारी यमी यमी बनाना प्रोटीन एक्स आइसक्रीम विद नट्स बनाना रेडी है। आप इसे कभी भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी के साथ मैंने यहाँ पर डेकोरेशन के लिए नट्स यूज़ किए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अपनी फैमिली के साथ जरूर शेयर करना।